के मिश्रा, केमिस्ट्री, वीडियो फॉर क्लास 12। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, उसमें दो रिएक्शन बताया था हमने। पहला रिएक्शन था रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ N2 ग्रुप, और दूसरा बताया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। N2+X-AR, बेंजीन रिंग में N2+X- ये क्या था, डाइजोनियम साल्ट था, और इसका कन्वर्जन करना है AR बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। फिर यहाँ AR में इस तरह से पारा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूट लगा होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लगा होगा, OH हो, NH2 हो, CH3 हो, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। यही है एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड यही है। अर्थात N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यहाँ पर X हो गया प्लस और यहाँ AR लगा है, इसी का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में जब हो जाए तो ये एजो ग्रुप हो गया। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट रिएक्ट विथ फिनॉल इन विच फिनॉल मॉलिक्यूल एट पारा पोजिशन इज कपुल्ड विथ ए बेंजीन डाइजोनियम साल्ट टू फॉर्म पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कंपाउंड कॉल्ड एजो कंपाउंड, कॉल्ड एजो कंपाउंड। इट इज ऑफ्टन कलर्ड एंड यूज्ड एज डाइज। सच रिएक्शन इज कॉल्ड एजो कपलिंग रिएक्शन, रिएक्शन इज कॉल्ड एजो कपलिंग रिएक्शन। इसका रिएक्शन इक्वेशन दिखाते हैं हम आपको। N ट्रिपल बॉन्ड N+Cl-, Cl- प्लस फिनॉल, फिनॉल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल। इसमें अब क्या होगा, इसका कन्वर्जन N डबल बॉन्ड N से हो गया, और इसका अटैचमेंट जो है यहाँ से बॉन्ड जो जुड़ रहा है फिनॉल हो गया।
पारा पोजीशन पर फिनॉल लगा हुआ, यही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ से यही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये जो है ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर। सिमिलरली विथ एनिलीन टू गिव पारा एमिनो एजो बेंजीन विच इज येलो कलर। ये हो गया N2+ Cl-, फिर आपको NH2 हो गया, एनिलीन रिएक्शन किया, N डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2, पारा एमिनो एजो बेंजीन, इसी तरह से इसका नाम होगा, यहाँ पारा एमिनो एजो बेंजीन है, ये जो पूरा ग्रुप है इसको एजो बेंजीन कहते हैं, ये जो है येलो कलर का होता है, येलो कलर का। उसी प्रकार से यहाँ पर CH3 ग्रुप हो जाएगा, रेड कलर का हो जाता है। ये सभी डाइज के रूप में उपयोग होता है। इस पर सवाल आपको पूछ सकता है, व्हाट इज मीन्ट बाई डाइजो कपलिंग रिएक्शन, एजो कपलिंग रिएक्शन, गिव वन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप, यही इक्वेशन लिख देना है। हाउ कैन यू प्रिपेयर द एजो कंपाउंड, तो एजो कंपाउंड का कोई एग्जाम्पल यहाँ एजो डाइजो कपलिंग रिएक्शन का ये लिख लीजिए और फिर कोई एक इक्वेशन इसमें से दिखा दीजिए। राइट द वन यूज ऑफ एजो कंपाउंड्स तो एज ए डाइज बिकॉज दे आर कलर्ड। तो इस तरह से इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन को आप देख लीजिए और क्वेश्चन करने के बाद इस पर कल हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे, कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस बताएंगे। एक आता है कि यूज कहाँ है, डायोनियम साल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं, वेयर द यूज ऑफ डायोनियम, डायोनियम बेंजीन डायोनियम क्लोराइड साल्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर बेंजीन डेरिवेटिव्स विच आर नॉट डायरेक्टली फॉर्म्ड, विच आर नॉट ऑप्टेंड बाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे साइनोबेंजीन बनाना है तो क्लोरोबेंजीन से नहीं बना सकते हैं, डायरेक्ट क्लोरीन को रिप्लेस करके CN के द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता है, इसलिए साइनोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए डायजोनियम से इजिली प्राप्त कर लेंगे, जो हम लोग डायजोनियम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड को हम लोगों ने तैयार किया है, डायजोनियम साल्ट से हम लोग ये जो कंपाउंड को तैयार किया है, दी आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायजोनियम क्लोराइड साल्ट। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर।